बेटा बात तो ये है ना कि आपके कहने से क्या होएगा, कोर्ट कन्विंस होनी चाहिए ना। अब कोर्ट कैसे कन्विंस होएगी? अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वी आर लिविंग सेपरेटली, पर कोर्ट को लगता है कि जो पार्टीज हैं, पार्टीज झूठ बोल रही हैं, ये कोअर्शन के साथ, मिली कोल्यूजन के साथ ग्राउंड मेकअप, ग्राउंड अपना बनाना चाहती हैं, पर ये दे आर नॉट लिविंग सेपरेटली। तो सबसे पहला जो मैट्रिमोनियल, बस एक मिनट मैंने से है। एक मिनट बस, हाँ अब तो बेटा जब हम सौरभ अभी हम डाउट्स ले रहे हैं, अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है बेटा। तो जब हम लिविंग सेपरेटली की बात कर रहे हैं, तो जब आपने कहा ना प्रूफ कैसे है, तो अब फॉर एग्जांपल दोनों दे आर नॉट लिविंग सेपरेटली, पर उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी कि हम एक साल से वी आर लिविंग सेपरेटली, और उसके बाद हमें लगता है वी कैन नॉट बी, वी आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, तो हमारा पिटीशन उन्होंने फाइल कर दिया। तो जो आपका सेक्शन 23 है ना, आपका हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 23 में एक ओनरस ड्यूटी इम्पोज की हुई है कोर्ट के ऊपर, मैंडेटरी ड्यूटी, कि आपने इंश्योर करना है कि सारे जो बार्स हैं वो फुलफिल होते हो, कोई भी बार अप्लाई ना करे किसी भी पिटीशन पर। तो उसमें एक है ना, एक बार है कोल्यूजन नहीं होना चाहिए, जर्नल बार है ये। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इनकी मिली भगत है, फिर कोर्ट उनको हेलो मतलब बात है कि आप कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाते हो। आपको लाइटली तो डाइवोर्स मिलेगा नहीं, तो आप कैसे कोर्ट को कन्विंस कर पाते हो जब आप लिविंग सेपरेटली कह रहे हो, कब से लिविंग सेपरेटली। अगर कोर्ट उनकी बातों पर, कोर्ट को भरोसा नहीं है, कोर्ट पार्टीज को भी बुला सकती है, उनकी स्टेटमेंट इंक्वायरी भी कर सकती है, तो फिर वो कोर्ट ने अपने आप को कन्विंस करना है कि यस उनका मैरिज हैज ब्रोकन डाउन, तब वो ये। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो मैम। एक बात पूछनी थी। बोलो। जो हमारा 13B के अंदर सब क्लोज टू करना 6 महीने का वो कूलिंग डाउन पीरियड है, वो कोई भी कोर्ट वेव ऑफ कर सकती है? बेटा वो कोई भी कोर्ट वेव ऑफ ऐसे नहीं करेगी। अगर कोई ऐसा फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसकी वजह से वेव ऑफ करने में कोई भी नुकसान नहीं है, तो वेव ऑफ होता है, अदरवाइज वेव ऑफ नहीं होगा। यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर होगी कोर्ट की, वो वेव ऑफ कर भी सकती है और नहीं भी। अगर कोर्ट को लगता है कि उनके बीच में रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटी है, फिर नहीं वेव ऑफ होता वो पीरियड। ठीक है प्लीज। ठीक है मैम, बस यही पूछना। थैंक यू। बेटा इम्पोर्टेंट तो क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब कोर्ट जाते हैं ना, दूसरी पार्टी डिनाई कर जाती है हमारी तो मैरिज ही नहीं हुई थी। तो सिर्फ मैरिज के को फैसिलिटेट कि आपकी मैरिज हुई थी उसके लिए होता है, अदरवाइज हमारे यहाँ मैंडेटरी नहीं है। नहीं मैंडेटरी नहीं है। और अगर वो नहीं भी होता तो एटलीस्ट मतलब यहाँ पर बॉडी कम लिटिगेशन होती है ऐसी, जिसमें सेक्शन 13 में पिटीशन फाइल हुई और हस्बैंड कह दे हमारी तो मैरिज ही नहीं हुई थी। तो नॉर्मली जो मैं
थर्टीन बी में तो वो मुचुअलिटी से फाइल कर रहे हैं, वो क्यों कहेंगे हमारी शादी नहीं हुई थी, जब उनका म्यूचुअल कंसेंट है। अगर शादी हुई ना होती तो डिवोर्स की क्या जरूरत थी। नहीं, कोर्ट नहीं बोलेगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन ही मैंडेटरी नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो कोर्ट कह नहीं सकता ना बेटा। बेटा अगर जैसे लड़की माइनर है, तो अगर लड़की माइनर है तो गार्डियन का कंसेंट मैटर करता है। गार्डियन कंसेंट देगा लड़की के बिहाफ पर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कंसेंट लिया गया है बाय फोर्स और फ्रॉड, वो फिर वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड है अंडर सेक्शन 12। बेटा वो क्यों नहीं, वो गार्डियन का माइनर का तो कंसेंट चाहिए ही ना बेटा, उसका तो भूल जाओ, माइनर का कंसेंट नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारा लॉ प्रिज्यूम करता है, क्योंकि बच्चे के गार्डियन हमारे हिंदू मिनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट के मुताबिक फादर एंड मदर हैं। तो जब वो कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे का वेलफेयर और कोई नहीं चाहता, तो अगर पेरेंट्स बच्चे के लिए डिसाइड किया है तो वो कुछ देख कर ही डिसाइड किया होगा, तो लॉ ने उनके फेवर में भी प्रिज्यूम किया हुआ है। बट अगर उनका पेरेंट्स ने अगर कंसेंट पेरेंट्स का लिया गया बाय फोर्स और फ्रॉड, तो फिर वो ग्राउंड है नलिटी ऑफ मैरिज का अंडर सेक्शन 12। पर इसमें भी हर फ्रॉड कवर नहीं है, फ्रॉड भी स्पेसिफाइड है किस चीजों से रिलेटेड होना चाहिए। वो तो बेटा गर्ल्स के लिए ना रेपुटेशन ऑफ मैरिज का वो स्पेशल ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, वो सिर्फ लड़की के लिए है ना, बॉयज के लिए नहीं है ना। हाँ, 13 सबसेक्शन 2 में है। और कोई बेटा, बेटा किसी और ने डाउट पूछना है, कोई आप में से किसी ने कोई और डाउट पूछना है? नो मैम। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बेटा लास्ट बता। ओके बेटा, जब हम मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2013 से हमने स्टार्ट करना है, तो जो मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2013 था, उसने 2010 के अमेंडमेंट बिल को रिवाइज किया। बाकी सारे प्रोविजंस तो एज इट इज रहे, पर जो उन्होंने 13CDE के बाद 13FB इंक्लूड कर दिया। इसमें लिखिए बाय मैरिज लॉस मैम। यस शिफाली मैम, ये कंटिन्यूएशन में लिखना है, क्योंकि मैम आपने 2013 के लिए पेजेस छुड़वाए थे। नहीं, पर उस दिन तो नहीं छुड़वाए होंगे बेटा, उस दिन तो नहीं छुड़वाए थे, वो तो आपके म्यूचुअल कंसेंट में छुड़वाए हुए हैं। यस मैम, एक पेज छुड़वाया था अपने, छुड़वाए थे इस आईबीओएम में भी। नो मैम, आईबीओएम में कोई पेज नहीं छुड़वाया अपने, लेकिन आपने छुड़वाया था म्यूचुअल कंसेंट में छुड़वाया था बेटा। अभी म्यूचुअल कंसेंट में अभी हम डील करेंगे, पहले आईबीओएम की हम जुडिशियल डेवलपमेंट खत्म कर ले, फिर करेंगे जुडिशियल जो आपका डिवोर्स पे म्यूचुअल कंसेंट है। ठीक है प्लीज। ओके यस, अखिल लास्ट बोलना। यस, बाय मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2013 इन एडिशन टू अबव मेंशन्ड statutory provisions, a new provision namely section 13 capital F has been proposed to be added
आफ्टर सेक्शन 13 कैपिटल ई, सेक्शन 13 कैपिटल ई फुल स्टॉप, सेक्शन 13 कैपिटल एफ, सेक्शन 13 कैपिटल एफ इज रिलेटिंग टू स्पेशल प्रोविजन टू शेयर इन इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 13 कैपिटल सी. ये बेटा आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. अब तक ये ग्राउंड इंक्लूड नहीं हुआ, डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. तो अभी तक अगर कोई पिटीशन फाइल होती है डिवोर्स के लिए तो कोर्ट 25 के अंदर परमानेंट एलिमनी देता है किसी भी स्पाउस को जिसके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम वाइफ की बात कर रहे हैं तो हम वाइफ को ले रहे हैं. तो वो वाइफ के लिए कोई लमसम अमाउंट फिक्स कर देता है, कीपिंग इन व्यू पार्टीज का क्या स्टेटस है, फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल. पर कभी भी हम सेटलमेंट में हस्बैंड की कोपार्सनली प्रॉपर्टी में से वाइफ को हिस्सा नहीं देते. जितना उसका स्टेटस है इनकम को देखते हुए हम उसे परमानेंट एलिमनी उसका फिक्स कर देते थे. ये वाला जो प्रोविजन है ये बड़ा डिबेटेबल है. वो क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन कहता है कि जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है दोनों मूवेबल या इमूवेबल, उसका फेयर शेयर आपको किसको देना पड़ेगा? वाइफ को देना पड़ेगा. अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पर जितने भी टीवी चैनल्स हैं वहां पर इसका डिबेट शो किया गया. अब जो इसके अगेंस्ट थे, इवन अगर आप इसका पार्लियामेंट्री डिबेट सुनेंगे यूट्यूब पे अवेलेबल है इस बिल का, उन्होंने कहा कि वाइफ को पता है कि हस्बैंड की डेथ से पहले उन्हें वो उसको सक्सीड नहीं कर सकते. प्रॉपर्टी तो तभी बटेगी ना जब उसकी प्रॉपर्टी है, जब उसकी डेथ होगी. आपने तो वाइफ के हाथ में खुद ही गोल्डन स्पून पकड़ा दिया कि अगर आपको प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए क्या ले लो, डिवोर्स ले लो. तो आपने तो प्रॉपर्टी एज अ पर्क दे दी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था. ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के अगेंस्ट है. जो इसके फेवर में कहते हैं वो ये कहते हैं, क्यों? वाइफ ने भी तो अपना लाइफ एंड ब्लड दिए टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. सिर्फ आप उसको पैसा देकर छुटकारा नहीं पा सकते. जितनी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से आपको फेयर शेयर या फिर उतने ही बराबर का इक्विटेबल कंपनसेशन आपको वाइफ को देना पड़ेगा. तो दोनों तरफ की प्लीज थी. पर अभी क्योंकि बिल एक्ट नहीं बना है, जब ये दूसरे हाउस में पास हो जाएगा तब ये एक्ट बन जाएगा, पर अभी तक तो पेंडिंग है. अगर ये बन जाता है तो इवन एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, पर ये स्पेशल प्रोविजन है सिर्फ 13 कैपिटल सी के लिए, जहां पर पिटीशन फाइल हुई है ऑन द ग्राउंड ऑफ IBOM वहां पर ये अप्लाई करेगा. एज अ जनरल रूल ये किसी और सेक्शन पे अप्लाई नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि IBOM को हमने एक स्पेशल कैटेगरी का ग्राउंड माना है. इसमें जब हम इसका IBOM में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा, जो जहां पर सब्जेक्टिविटी आती है, एक होता है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, एक होता है सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड. अब फॉर एग्जांपल हमने कहा IBOM इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, फिर क्वेश्चन अराइज होगा कोर्ट को पता कैसे चलेगा कि देयर मैरिज हैज ब्रोकन डाउन. हाँ जी शिपाली आप बताओ बेटा, हाउ विल द कोर्ट नो that the marriage has broken down? मैम इसमें तो यही होगा ना, जो courts facts and circumstances से दिखेगा कि बारी बारी मैम उनको, जैसे मैम फॉर एग्जाम्पल जैसे मीडिएशन में भेजा किसी भी केस को, तो मैम मीडिएशन का कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है. कि मैम जैसे
एक तो मैम ये हो सकता है मैम, बाकी जो आपने बताया था कि जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए पिटिशन फाइल हुई, तो मैम उस पे किसी तरीके का कोई एक्ट नहीं हुआ। मैम प्रोसीडिंग चलते चलते काफी लंबा टाइम हो गया, लेकिन मैम पार्टीज अभी भी एक कॉम्प्रोमाइज पे आने के लिए तैयार नहीं है। दे जस्ट वॉन्टेड टू लिव सेपरेटली। तो मैम डिफरेंट डिफरेंट यस, अभी डिफरेंट। तो जब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि आईबीओएम कहीं पर डिफाइन तो है नहीं, तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बिकॉज अगर लॉ पैरामीटर्स ले डाउन कर देता कि आईबीओएम क्या है और कब ये ग्राउंड अवेलेबल होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होते हैं कि लॉ ने आपको बाउंड्री बता दी है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। अब जब हमने कहा कि ग्राउंड डिफाइन तो है नहीं, सिर्फ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट है कि मैरिज हैज ब्रोकन डाउन, अब वो सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट जब आएगी तो जजेस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रीचिंग एट अ कंक्लूजन दैट वेदर देयर मैरिज हैज ब्रोकन डाउन और नॉट। क्योंकि आईबीओएम कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। अगर एक लिबरल जज है जिसको लगता है कि एक ही लाइफ है, पूरी तरह से जीनी चाहिए, अगर खुश नहीं हो बंधन में तो बेटर है, बोथ शुड गेट फ्री, उसके लिए आईबीओएम के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर एक जज है जिसके लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो कहता है कि जो नॉर्मल वेयर एंड टीयर है या एडजस्टमेंट इन मैट्रिमोनियल लाइफ है, उसको हम आईबीओएम में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम जब अभी जुडिशियल डेवलपमेंट करेंगे, हम देखेंगे कैसे केस टू केस वेरी करता है। एक केस में एक कोर्ट कह रही है डाइवोर्स होना चाहिए, दूसरी कोर्ट कह रही है नहीं होना चाहिए बिकॉज ये तो नॉर्मल वेयर एंड टीयर है, फिर सुप्रीम कोर्ट कह रही है हो जाना चाहिए। आप देखिए अगर मैटर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, इसका मतलब निचली कोर्ट से कहीं से रिलीफ नहीं मिला, तभी एग्रीव्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। तो आप देखिए एक जज कह रहा है मैरिज का ग्राउंड मेकआउट हो गया, दूसरा कह रहा है मेकआउट नहीं हुआ, बिकॉज फैमिली लॉ में सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जज किस फैमिली बैकग्राउंड से है, अगर जज का जो आइडियोलॉजी है वो वेस्टर्नाइज्ड है तो वो वेस्टर्न मॉडल से इंस्पायर्ड है। अगर जज है हु इज ग्राउंडेड टू द रूट्स लेवल, इंडियन रूट्स लेवल, वहां पर उसका इंडियन पर्सपेक्टिव ज्यादा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे इसको, कैसे जो आईबीएम का ग्राउंड अगर इंट्रोड्यूस होता है तो एटलीस्ट किसी तरह का डेफिनेशन भी होना इसमें जरूरी था। क्लियर है प्लीज? क्या लिखा बेटा अभी आपने? यस, इसमें लिखिए बाय दिस प्रोविजन By this provision, the court, may order that the husband shall give to the wife. Husband shall give to the wife ब्रैकेट में लिख लीजिए for her and children वो बच्चे हैं जो सेक्शन 13E में कवर होते हैं। क्लियर है? Such compensation, which shall include a share, in his share. Of immovable property and such amount by way of share in movable property towards the settlement of her claim
as the court may deem, as the court may deem just and equitable. Full stop. While determining such compensation, the court shall take into account the value of inherited or inheritable property of the husband. और अगर कोर्ट को लगता है कि हस्बैंड वाइफ का जो क्लेम है उसको पूरा नहीं करेगा, तो जो कोर्ट है वो प्रॉपर्टी पर चार्ज भी क्रिएट कर सकता है. चार्ज क्रिएट करने का क्या फायदा होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी कोई जिसमें से मैंने आपको कुछ देना पड़ सकता है, तो मैट्रिमोनियल लॉ में देखा गया है वो उससे पहले प्रॉपर्टी बेच देते हैं या गिफ्ट कर देते हैं ताकि स्पाउस को ना देनी पड़े. तो कोर्ट क्या करता है, प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर देता है. प्रॉपर्टी जिसके पास होगी उसी को उसमें से वाइफ का शेयर देना पड़ेगा, बिकॉज कोर्ट प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर देगी. क्लियर है? कुछ नहीं होता, तो वो जो असेट्स हैं, आ जा बेटा, तो जो असेट्स हैं कैश तो आया ही है ना बेटा, तो जब हम देखते हैं तो उसमें इनकम एंड स्टेटस ऑफ द हस्बैंड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो कैश काउंट हो जाएगा. आजकल तो आप ब्लैक में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आपको वो सारा बैंक अकाउंट में तो है जिसका आपको कोर्ट आराम से उसकी कंसिडर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा, बिकॉज मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही उसमें कवर होती है. ठीक है प्लीज. बेटा वन ए में देखो, ग्राउंड तो अभी तक है नहीं स्पेसिफिक, पर हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं. वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप पार्टी ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री करवाई है या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री कराई है, उसके बावजूद हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे आकर नहीं रह पाए फॉर वन ईयर, तो वो कहते कि ऐसा तो है नहीं, वो 10-15 साल ऐसे ही निकाल देंगे. अगर एक साल तक उनके बीच में रेस्टिट्यूट नहीं हुआ या जुडिशियल सेपरेशन के बाद उनके बीच में कोहैबिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, और एक साल का टाइम बहुत टाइम होता है, 12 महीने निकल चुके हैं, तो वो कहते हैं इसका मतलब उनके जो मैरिज में से सब्सटेंस खत्म हो चुके हैं, इट हैज वर्चुअली एंडेड, तो इसको हम कहते हैं देयर मैरिज हैज ब्रोकन डाउन. एक्ट में नहीं लिखा ये, तो हमने बाय इम्प्लीकेशन कहा है कि इससे हमें पता चलता है कि थोड़ा थोड़ा करके हम इस नई थ्योरी को, लेटेस्ट थ्योरी को पार्लियामेंट भी इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि जब उन्होंने आइदर वर्ड ऐड किया, आइदर वर्ड ऐड करने से क्या हुआ कि अब हम ये नहीं देख रहे कि कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है. क्यों? अगर एक साल हो ही गया है, जब पार्टी का इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे वो एक ही पार्टी का हो किसी का भी, तो मैरिज तो दोनों से ही चलनी है. अगर कोई एक भी ऐसा स्पाउस है तो कोर्ट कहते हैं फिर हम ये नहीं देखेंगे किसके फेवर में किसमें अगेंस्ट में. व्हेन द मैरिज हैज वर्चुअली एंडेड, तो चाहे पिटिशनर हो चाहे रिस्पोंडेंट हो इन दैट पिटिशन, कोई भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर अ डिक्री ऑफ डिवोर्स. कहीं पर भी नाम आपका इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं है. बेटा वेव ऑफ तो करना है नहीं करना, ये तो हमारे कोर्ट्स डिसाइड कर रही है. बेटा लॉ तो है ना,
गाइडलाइंस 1976 के बाद आई हैं, तो अगर एक बार ग्राउंड आएगा, ग्राउंड लॉ तो बने, अगर लॉ बनेगा उसके बाद उसको कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं, जैसे आईबीओएम आपके मैरिज लॉज अमेंडमेंट में डिफाइंड नहीं है 2013 में, तो क्या आपका कोर्ट डिफाइन कर दे? अब 3 ईयर सेपरेशन है, क्या पता कोर्ट कह दे डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है, तो पहले ग्राउंड तो इंक्लूड हो, इंटरप्रिटेशन की तो बाद की बात आएगी, ठीक है ना? प्लीज अब बेटा हम ना थ्योरी ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकन ऑफ मैरिज कर रहे हैं, तो अभी हम उसको ना लेजिस्लेटिव पोर्शन कर रहे थे। लेजिस्लेटिव मीन्स अभी तक हमारा ये जो एक्ट, ये ग्राउंड है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट नहीं है, तो हमने फिर ना इसमें लेजिस्लेटिव डिवेलपमेंट करना स्टार्ट किया कि क्या हमारा लेजिस्लेचर कोई एफर्ट कर रहा है इसको इंक्लूड करने के लिए। तो इसमें हमने फिर 1955 के बाद जो हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको डील किए। अल्टीमेटली हमने कहा कि 1964 और 1976 में कुछ चेंजेस आए, उसके बाद कोई चेंज नहीं आया, पर उसके बाद 217 रिपोर्ट आ गया था लॉ कमीशन का 2009 में, जिसने अपना रिपोर्ट दिया। उसके बाद हमारा बिल इंट्रोड्यूस हुआ द मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2010, तो उसके हमने प्रोविजंस किए, क्या प्रपोज थे 13B के बाद ऐड होने के लिए, और उसको फिर रिवाइज किया गया 2013 में, बिल एक्ट अभी बना नहीं है, तो वो मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2013 बना। तो 2013 में उन्होंने कहा कि 2010 के तो प्रोविजंस रहेंगे, साथ में उन्होंने एक एडिशनल प्रोविजन की बात की, उस एडिशनल प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा था कि जब डाइवोर्स की डिग्री पास होना है ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकन ऑफ मैरिज, उस टाइम पर हस्बैंड को वाइफ के क्लेम को देना पड़ेगा उसका जो शेयर है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या फिर इक्विवेलेंट कंपनसेशन। तो इस पॉइंट को हम डील कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज अखिल लास्ट लाइन रीड कर बेटा। मैम, यस शिपाली मैम, जो ये वाला जो प्रोविजन, जैसे हमने एफ वाला ऐड अगर हो जाता है, तो मैम ये कहीं ना कहीं सारी चीजों को रिडंडेंट नहीं कर देगा? क्योंकि मैम आईबीओएम के ग्राउंड पे फिर तो कभी डिवोर्स फाइल ही नहीं होगा, क्योंकि रीजन बीइंग मैम प्रॉपर्टी के लिए सारा कुछ होता है मैम, जो भी फाइट है दैट इज फॉर द प्रॉपर्टी। एंड मैम बेटा जो आप कह रहे हैं वाइस वर्सा है, कभी भी कोई प्रॉपर्टी के लिए डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। अगर डाइवोर्स ले रहे हैं उस टाइम पर, जब हम कहते हैं कुछ मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में एंसिलरी इश्यूज को साथ में डील करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो एंसिलरी इश्यूज हैं उसमें से एक है कि अगर एक स्पाउस अर्न नहीं करता तो हम उसे ऐसे डेस्टिट्यूशन में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी का तो हिस्सा मिलना नहीं है, पर जो उसका जो स्टेटस है इन दैट मैरिज, जिसको हम लीगल स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कहते हैं, तो हम उन्हें कुछ देते हैं ताकि उनकी आगे वाली जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए। तो कभी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल नहीं करेगा। यस, अगर डाइवोर्स पिटीशन फाइल हुई है वहां पर फिर प्रॉपर्टी का मैटर सेटल होगा, बिकॉज जब हम कहते हैं जब कोई लीगल स्टेटस आपने एक्वायर किया है तो उसके साथ आपको कुछ राइट्स भी मिलते हैं, तो उन राइट्स को कंसिडर करते हुए कोर्ट फिर ये जो एंसिलरी क्लेम्स हैं उनको भी साथ ही सेटल करती है, ठीक है? प्लीज मैम, बट जो आजकल का ट्रेंड है मैम, वो ट्रेंड कोर्ट्स में तो मैम ऐसे ही चलता है कि लाइक मैम जैसे कोई बहुत रिच हस्बैंड है उसके साथ मैरिज कर लेते हैं, एक दो साल बाद फिर मैम उसी मतलब जस्ट टू क्लेम दी प्रॉपर्टी वो डिवोर्स ले लेते हैं, तो मैम ये एक तरीके से तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैंड दे देंगे अगर ये प्रोविजन आ जाता है तो। बेटा पर इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं मिलता, पर तो जब अगर आपने पहली बार शादी करने से पहले आदमी को माइंड अप्लाई करना चाहिए कि मैट्रिमोनियल बॉन्ड में एंटर होना या नहीं होना। अगर एक बार आप इस इंस्टीट्यूशन में एंटर हो गए हैं तो आपका मैरिज करते ही आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के पास कुछ लीगल राइट्स आपने एक्वायर कर ले हैं, एक्वायर हो चुके हैं, तो अगर वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, वाइफ का पूरा राइट बनता है उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का। अब वो प्रॉपर्टी के लिए शादी हुई थी या शादी के बाद उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट बना है, हार्डली मैटर्स। अगर वो डिवोर्स लेना चाहती है, चाहे प्रॉपर्टी के लिए ही हो, कोई ना कोई तो ग्राउंड मेकआउट ही करना पड़ेगा। वहां पर जब ग्राउंड मेकआउट करने की बारी आएगी, वहां पर हस्बैंड जब डिफेंड करेगा, वहां पर वो कह सकता है कि जो डिवोर्स का ग्राउंड मेकआउट नहीं हो रहा, ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी ये डिवोर्स लेना चाहती है। बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं ऐसा इक्वेशन 1-to-1 वहां नहीं चलता, वहां पर हर चीज के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो अगर वो कोर्ट में बात पहुंची है
तो प्रूव होना जरूरी है. तो वो आप हस्बैंड कैसे डिफेंड करता है या वो अपना क्या ग्राउंड लेता है, वाइफ क्या ग्राउंड लेती है, वो कैसे उसको, बिकॉज जहां हम देखेंगे केसेस में ग्राउंड है भी, वहां पर भी कोर्ट कहती है कि नहीं आप इकट्ठे रहो, ये नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ मैट्रिमोनियल लाइफ है. तो पहले तो पार्टीज के ऊपर ही ओनस है प्रूफ करने का, फिर कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है कि मैरिज को डिसॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बाद कहीं जाकर आपको डिवोर्स का रेमेडी मिलता है. तो ट्रेंड कुछ मर्जी हो, हमने तो लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलना है. ठीक है शिफाली? यस मैम. यस, कुछ और पूछना है आपने? नो मैम. अखिल लास्ट टाइम रीड कर बेटा. यस. इनहेरिटेड है वो. Which determines such a compassion the court shall take into account that to value of inherited or inheritable property of the inherited तो वो already inherit कर चुके, inheritable जो उसे future में भी मिलनी है, वो दोनों की बात कर रहे हैं इसमें. Clear है? Yes. First full stop लगाइए इसके बाद, इसमें लिखिए. Even court could create charge. Even court could create charge for securing charge. सिर्फ immovable property पे लगता है, तो आप लिख लीजिए court create charge on immovable property. Even court could create charge on immovable property of husband in order to secure wife's claim in that order of settlement. तो अभी तक ये बिल एक्ट नहीं बना, जब भी इलेक्ट बन जाएगा तो ये ग्राउंड उसमें आ जाएगा. अगर आप अब इसमें जब डिबेट हुआ था बेटा, क्योंकि अभी तक ये पास नहीं हुआ है, इसमें वो क्या क्या ग्राउंड्स लेते हैं जिस पर ऑपोजिशन ने कहा है कि ये बिल एक्ट नहीं बनना चाहिए, इसको लैप्स कर जाना चाहिए. तो पहला वो कहते हैं कि जो आपका 13E है, रीड कर बेटा. 13E has vested the same right in those situations where a decree under section 13C would affect children. तो यहाँ पर ना उन्होंने कहा है हर चिल्ड्रन इंक्लूडेड नहीं है इस अमेंडमेंट में, उन्होंने कहा है कि अफेक्टेड चिल्ड्रन, और अफेक्टेड चिल्ड्रन को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि किनको हम अफेक्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में ले रहे हैं. तो जब उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा कि हम चिल्ड्रन के लिए हमारा लॉ सबसे ज्यादा कंसर्नड है, चाहे आप माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट ले लो, किसी भी लॉ में हम कहते हैं वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन. तो इस अमेंडमेंट ने क्यों डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन अफेक्टेड एंड नॉन अफेक्टेड चिल्ड्रन. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये IBUM है, इसके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होने चाहिए. आप इतना ज्यादा जुडिशियल डिस्क्रिशन कोर्ट्स में वेस्ट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर लें कि मैरिज हैज ब्रोकन डाउन और नॉट, इसके लिए उसके कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स होने चाहिए. फिर उन्होंने कहा कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, इवन इन द कोपार्सरी प्रॉपर्टी में, वाइफ का शेयर देना एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसकी है वो कंसिडर करें, जो उसे मिलनी है फ्यूचर में उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए. क्यों? ये तो आप एक एल्योरमेंट दे रहे हैं वाइफ को कि इफ शी वॉन्ट्स को पार्सनली प्रॉपर्टी, बेटर शी शुड गो फॉर डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड, और उसको फिर एज रिलीफ उसको क्या मिल जाएगा, को पार्सनली प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिल जाएगा, जो कि हस्बैंड के जिंदा रहते हुए उसको नहीं मिलना था. ठीक है प्लीज. हम इफेक्टेड चिल्ड्रन कौन से कोर्ट ने डिफाइन करें बेटा? अफेक्टेड चिल्ड्रन ना बिल में ही डिफाइंड है, मैं रीड कर रही हूँ. इन दिस सेक्शन The children includes minor children, including adopted children, unmarried or widowed daughters who have not the financial resources to support themselves, children who, because of special condition of their physical or mental health, need looking after and do not have the financial resources to support themselves. तो उन्होंने affected children को define किया गया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी. Minor children लिख देते, that is more than sufficient. Because जब हम children को protect कर रहे हैं, that is irrespective of the fact whether they are affected children or not.
ठीक है प्लीज। बेटा अगर वाइफ क्लेम कर रही है वो बच्चे उसमें इंक्लूडेड हैं, ये जजमेंट आ चुकी है। इवन ये तो चलो आपका अभी तक बिल एक्ट नहीं बना, इवन अगर 25 में अगर एलिमनी वाइफ लेती है ना तो जितना भी अमाउंट उसको मिलता है इसका मतलब उसमें बच्चे का भी इंक्लूड होना चाहिए। तो ये नहीं है कि वो बच्चे के लिए सेपरेटली 26 के अंदर फाइल करेगा एप्लीकेशन। अगर आपने 25 के अंदर परमानेंट एलिमनी मांगे दैट इंक्लूड्स मेंटेनेंस फॉर द चिल्ड्रन आल्सो, क्लियर? ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। ठीक है प्लीज। हाँ जी कुछ और पूछते हैं आपने? यस, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, जुडिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। जुडिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, जुडिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिवेलपमेंट ऑफ, इन डिवेलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसमें हमें सारे केसेस हमें डील करने पड़ेंगे जिसने इस कंसेप्ट के साथ डील किए। इसके अंडर लिखिए, दो दो द कंसेप्ट ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज has not been inserted, has not been inserted into Hindu Marriage Act 1955, but courts are invoking this concept. Courts are invoking this concept for the last 2 to 3 decades. For last 2 to 3 decades. In Ashok Hurra, HURRA, in Ashok Hurra, last ke baad kya? लास्ट के बाद क्या था बेटा? कहीं पर ना अभी लिखा नहीं हो, मैं अभी ऐसा चाह, आप बोलिए आपका क्या स्किप हुआ है? कंसेप्ट फॉर द लास्ट टू टू थ्री डिकेड्स। इसमें लिखिए, इन अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा बिपिन जावेरी, रूपा बिपिन जावेरी 1997 Volume 4, SCC 226. The Supreme Court held that the time has come where 71st report of Law Commission should now be considered a good ground for dissolving marriage. In Savitri Pandey versus Premchandra Pandey, AIR 2002, SC 591,
इस केस को ना जब हम क्रुएल्टी का ग्राउंड करेंगे, डिटेल में करेंगे, ये केस क्रुएल्टी के ग्राउंड पर फाइल हुआ था और इस केस में कहा था कि नॉर्मल वेयर एंड टीयर है मैट्रिमोनियल लाइफ की, तो उनको डाइवोर्स नहीं मिला था। इसमें कैसे, शादी के एक दो महीने के बाद ही पार्टी सेपरेट हो जाती है, वाइफ हस्बैंड पर केस करती है कि मेरा एक तो जितना भी शादी में सामान दिया वो वापिस चाहिए, फ्रिज टीवी उसमें लिखा हुआ था, रेडियो वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन था, फिर कहा था कि मेरे फादर ने इतना कैश दिया वो भी वापिस चाहिए, फिर उसने कहा कि हस्बैंड ने डिनाई किया इन चीजों को, फिर वाइफ ने कहा कि इसका किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एक लेडी से जो कि गया में रहती है बिहार में, पर वो उसको प्रूव नहीं कर पाई। तो सारे एलिगेशन सुन के कोर्ट ने कहा कि ये नॉर्मल वेयर एंड टीयर है तो इसके लिए हम इसको क्रुएल्टी का जो ग्राउंड है वो इन्वोक नहीं करेंगे। पर कोर्ट ने फिर ये भी कहा साथ में, क्योंकि उनको डिवोर्स नहीं मिला, पर उन्होंने कहा क्योंकि क्रुएल्टी को एस्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट है बेटा, वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए क्रुएल्टी कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, इनके लिए कुछ और है, तो वो भी जज टू जज वेरी करती है, कोई उसे लेता है नॉर्मल वेयर एंड टीयर है, कोई उसे लेता है बड़ा एक्सट्रीम है। तो क्रुएल्टी का ग्राउंड इसलिए इतना वेवी है, इतना डाइसी है, क्योंकि एक्ट में डिफाइंड ही नहीं है व्हाट इज क्रुएल्टी, वो हमने कोर्ट्स के ऊपर छोड़ा हुआ है कि क्रुएल्टी है या नहीं है, तो वो डिफरेंट इंस्टांसिस देते हैं, तो कोर्ट को लगता है कि क्रुएल्टी है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो मैटर को डिसाइड करती है। इस केस में उन्होंने कहा कि क्रुएल्टी का ग्राउंड मेकआउट नहीं होता, पर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो हम एक मैरिज जैसा जो सेक्रामेंटल यूनियन है वो हम एक स्पाउस की मर्जी पर नहीं छोड़ सकते कि वो दूसरे स्पाउस को तंग करता रहे और वो परेशान होता रहे, इसलिए बेटर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और एक ही ग्राउंड हो जो सब ग्राउंड्स का उसमें कवर होते हो। और उन्होंने कहा कि IBOM शुड नाउ बी इंक्लूडेड एज ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, क्योंकि क्रुएलिटी को एस्टैब्लिश करना मुश्किल है बट डिफरेंट इंस्टांसिस के थ्रू शो करना दैट देयर मैरिज हैज ब्रोकन डाउन वो उसके कंपैरेटिवली इजी है, जिसमें दूसरे स्पाउस का कोई